दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें लोगों के आंसू निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ये आंसू किसी लाइट कैमरा एक्शन को देखकर नहीं निकले हैं और ना ही रोने के लिए इन्हें पैसे दिए गए हैं। बस इन लोगों को 19 जनवरी 1990 का वो दिन याद आ गया है जब इन्हें कश्मीर से भगा दिया गया था। उस दौरान किसी की माँ का मर्डर कर दिया गया था तो किसी की बहन के साथ रेप हुआ। वहीं कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया था तो किसी की पत्नी को बम के गोले में भून दिया गया था। और इन बीते 32 सालों में इन कश्मीरी पंडितों पर बॉलीवुड कोई भी ऐसी फिल्म न बना सका जो इस सच्ची घटना पर आधारित हो। लेकिन जब विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को इन लोगों ने देखा तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई फिल्म देखकर इस तरह से रोता हुआ नजर आया हो। ये फिल्म उन लोगों के दर्द को बयां करती है जो उस दर्द भरे दौर से गुजरे थे। हालांकि विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर मीडिया खामोश है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर लोगों को ये फिल्म दिखाई जाएगी तो कश्मीर का सच सबके सामने आ जाएगा। बता दें कि फिल्म में अनुपम खेर के साथ मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी जैसे मशहूर कलाकार हैं। इसके बावजूद फिल्म के प्रमोशन में मीडिया पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के कई एक्ट्रेस भी इस फिल्म के प्रमोशन को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। बता दें कि कश्मीर पर आज तक जितने भी फिल्में बनी हैं, उन पर कश्मीर के पंडितों का दुख नहीं दिखाया गया। साल 2020 में फिल्म शिकारा को कश्मीर की सच्ची कहानी बताकर बेच दिया गया था। हालांकि फिल्म का एजेंडा कुछ और ही था, इसलिए कश्मीरी पंडितों ने इस फिल्म के डायरेक्टर को फटकार भी लगाई थी। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों का असली दुख द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाए और फूट फूट कर रोने लगे। बता दें कि ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज हो रही है। आप भी इस फिल्म को देखें और अपने दोस्तों को भी इस फिल्म को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। वेल दोस्तों, आप कश्मीरी पंडितों पर हुए इन अत्याचारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।